किसान इतना कमजोर नहीं है कि किसी के रहम करम पे जिंदा है। नमस्कार, मैं भाषा और ग्राउंड रिपोर्ट में इस समय हम खड़े हैं जंतर मंतर पे, जहां चल रही है किसान संसद। बहुत मुश्किल से यहाँ पर 200 किसान पहुँचे हैं, जिसमें से 5-6 महिलाएं हैं, और इन तमाम लोगों ने बहुत सीधी सीधी मांग रखी थी कि जिस समय देश में संसद बैठी है उस समय किसानों की मांग को सुनने के लिए उन्हें परमिशन दी जाए, दिल्ली के अंदर आने दिया जाए। और सुबह से जिस तरह से 30,000 के करीब पुलिस बल लगाया गया है, यानी प्रति किसान 150 पुलिस खड़ी है पूरी दिल्ली में किसानों से दिल्ली को बचाने के लिए, मीडिया को घुसने नहीं दिया गया, 1.5-2 घंटे की लड़ाई के बाद हम यहाँ पहुँच पाए हैं। सवाल बहुत सीधा सा है कि जो अन्नदाता अभी तक दिल्ली की सरहद पर बैठा था, जब वह अपनी बात सुनाने के लिए यहाँ पहुँचना चाहता है, उससे इतने बड़े पैमाने पर डर क्यों? मीडिया उसकी आवाज़ ना सुना पाए, इसके लिए क्या क्या नौटंकी सुबह से पुलिस ने की है, यह बताने के लिए अलग से स्टोरी हमें करनी पड़ेगी। PIB कार्ड होना चाहिए, ये कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जब मीडिया धरने पर बैठा तब हमें अंदर आने को दिया गया। किसानों से जो डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का और उनकी पूरी सरकार का, वह आज यहाँ बेपर्दा हुआ। जिस समय हम किसानों के बीच खड़े हैं और दिखाई दे रहा है कि मीडिया को किस तरह से किसानों से दूर किया जा रहा है, उसी समय इस देश में दैनिक भास्कर हो या भारत समाचार, उनके ऊपर सीधा सीधा हमला हो रहा है। हम सब जानते हैं कि दैनिक भास्कर, भारत समाचार और तमाम ऐसे संस्थान जो ज़रूरी सवाल उठा रहे हैं, जो पत्रकारिता को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे अभी जो लोग खड़े हैं यहाँ पर जंतर मंतर पे किसानों की बात सुनने और सुनाने के लिए, उन सबको सरकार ने निशाने पे ले रखा है। और यह हम सब के लिए, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। अभी किसान संसद जब शुरू हुई है तो उसने 2 रेजोल्यूशन पास किए हैं। सबसे पहला रेजोल्यूशन तो जो किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन में, उन सभी को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा दूसरा रेजोल्यूशन जो दिल्ली पुलिस ने मीडिया कर्मियों को किसानों की संसद को कवर करने से रोक रखा है, जिससे हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी, हमारा व्यू पॉइंट पूरी दुनिया में जाएगा, जो रोक रखा है इसमें इस सारी इन रुकावटों की निंदा की गई है, निखेधी की गई है। और ये पास किया गया है कि दिल्ली पुलिस को इन रुकावटों को ख़त्म करना चाहिए और मीडिया को संसद को कवर करना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। हम लोग इस संसद का जो रेजोल्यूशन है कि मीडिया की आज़ादी पे ये हमला है, ये गवर्नमेंट किसानों की आवाज़ को जाने नहीं देना चाहती और मीडिया किसान यूनिटी को ब्रेक करना चाहती है, ये रेजोल्यूशन आपके सामने रखे हैं, इसकी कंडेमनेशन है। और अभी ये प्रोटेस्ट पुलिस के सामने भी दर्ज कराएंगे कि आपको अलाउ किया है। जी, आप बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, बहुत बार आपसे मुलाकात हुई है हमारी टीकरी बॉर्डर में, आज किसान संसद से क्या हासिल हो रहा है? देखिए, 8 महीने से जो किसान बैठे रोड पर बोल रहे थे कि हमारी बात सुनो, हमारे मतलब इन कानूनों को रिपील करो, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और मैं कहूँ कि सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात होनी चाहिए कि आज किसानों ने पैरेलल संसद किया, और देखने में ये छोटा लगे कोशिश एक, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा जाएगा, पूरी दुनिया में चर्चा होगी कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही और वो पैरेलल संसद कर रहे हैं। और किसानों ने शुरुआत कर दी कि कारपोरेट लूट नहीं चलेगी, आज संसद के बाहर बात हो रही है, कल को अंदर भी होगी। और हमने किसान आंदोलन के प्रेशर से वोटर्स व्हिप जो जारी किया है, और जो भी हमारे नुमाइंदे अंदर चुन के गए हैं सो कॉल्ड, वो अंदर भी बात उठा रहे हैं। एक चीज़ जो जाननी थी कि किसान आंदोलन को बिल्कुल सरकार नकार रही है, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है सरकार देखेगी या मीडिया देखेगा, क्या होगा इस किसान संसद से? आप देख लो, पीछे साल नवंबर में 26 और 27 को हमने पार्लियामेंट में जाने के लिए परमिशन मांगा था और हमने वो परमिशन हमको मिला नहीं, और अभी 8 महीना इसी के वजह से हमको बॉर्डर में बैठना पड़ा। लाखों किसान इसमें आए और कोई दुनिया में सोचा नहीं था, भारत में भी कोई सोचा नहीं,
खुद हम भी नहीं सोचा था कि किसान में इतना ताकत है, किसानों का बाजू में इतना ताकत है कि वो 8 महीने तक आंदोलन चलाएगा। अभी आप जंतर मंतर पे हैं, वैसे आपने टीकरी में पूरा का पूरा संस्थान खोल रखा है, क्या लग रहा है किसान से इतना डर क्यों हो रहा है सरकार को? क्योंकि किसान बोल रहा है, लोगों को लगता था जो किसान है वो अनपढ़ है, जो दिखाया जाता था उनको ये नहीं मालूम कि किसान का बेटा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, PhD भी है और किसान खुद भी ये सब है। सो पहले हम किसान हैं, बाद में हम ये सब कुछ हैं, तो अब उस चीज़ से डरते हैं कि दुनिया को ये मालूम पड़ जाए ये बात। ये लोग तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ये समझ भी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो दिखाया था ना, इनको मालूम ही नहीं है ये 3 कानून क्या है। अब हम उनको दिखा रहे हैं कि हमको सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ जानते हैं, इस ये बस यही दिखाने आए थे आज। आज इतनी मुश्किल क्यों हुई, इतनी ज़्यादा पुलिस है, क्या लगा आपको आते समय? आते समय तो बहुत ज़्यादा पुलिस इकट्ठी हो गई थी, आगे पीछे साइरेंस के साथ गाड़ियाँ चल रही थी, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, पता नहीं वो खराब दी गई थी या कैसे था, सिस्टम बहुत टाइट था और गाड़ियों की चेकिंग बस में चढ़ के मतलब ऐसे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे जैसे हम बम लेके आए हुए, तो वो माहौल बहुत ही अलग था और कंट्रोल करने की, डराने की, बरगलाने की कोशिश थी बट वो कामयाब नहीं हुई। ये एक ऐतिहासिक किसान संसद है, यहाँ एक एक किसान जो बैठा है हजारों किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठा है। हमने जी ये देखिए, आप भी पिंजरे में बंधे हैं, हम भी बंधे हुए हैं पिंजरे के अंदर। आज यहाँ हमारी कुछ महिला साथी आई हैं, लेकिन जैसा आप जानती हैं 26 तारीख जो हमारा पीक डे है वो केवल महिला किसानों के लिए रिजर्व है, केवल महिलाएं आएंगी उस दिन, उस दिन पूरी संसद महिलाएं चलाएंगी और 9 तारीख को 9 अगस्त। ये बताइए कि इतना अभी भी क्यों डरी है सरकार, जबकि एक तरफ वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, संसद में बोला कि किसानों से बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर इतना डर क्यों? झूठ बोल रही है सरकार संसद में। किसानों से बातचीत के लिए हम लोग तो कंडीशन लगा रही है सरकार कि ये कंडीशन हो, अनकंडीशनल बात हो। बात करने से SKM कभी भी पीछे नहीं हटा है, पहले भी और अब भी, ये बात एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा बात, सरकार डरी क्यों हुई है? बेसिकली सरकार कॉरपोरेट के हाथ में है, सरकार एक ऐसी रोड बिछाना चाहती है इस देश की खेती और अनाज के क्षेत्र में जिसमें घोड़े जो दौड़ेंगे उसकी सवारी मल्टीनेशनल्स करेंगी, जो एग्रेरियन बिजनेस की बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो करेंगी और इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा को ख़त्म कर देंगी, अनाज पे मोनोपोली बनाएंगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और किसानों की ज़मीन छीनेगी क्योंकि खेती का कॉरपोरेटाइजेशन करने जा रहे हैं और इस देश में छोटा सीमांत किसान, दरमियाना किसान बड़ी गिनती में है, उससे छीनेंगे ये सब। देखिए मेरा एक साल से मैं हूँ और पिछले 7 महीने से मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ, वहाँ पे मैं टेंट में रहती हूँ। माई पागो चैरिटी के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वहाँ पे माई पागो निवास औरतों के रहने का इंतज़ाम किया हुआ है, बाकी डिफरेंट स्टेट्स में हम जाते हैं। मेरे फादर कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट से, तो इसलिए आई एम इनटू दिस इंकलाब थिंग। सो बेसिकली आई एम इनटू एक्टिंग। सो आई हैव डन साउथ मूवीज़, पंजाबी मूवीज़, हिंदी अभी रिलीज़ हुई थी हैप्पी हार्डी हीर विद हिमेश रेशमिया, बट अभी मुझे लगा कि राइट नाउ आई हैव टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसान की बेटी हूँ तो मुझे उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो वो बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज आई एम वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट ऑल्सो, और किसानों की पार्लियामेंट वैसे भी होनी चाहिए किसानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। एक चीज़ जो आज जिस तरह का माहौल बनाया गया कि मतलब बिल्कुल लग रहा है पता नहीं कौन आ गया, मेरी उम्र बीती है जंतर मंतर आने की और रिपोर्ट करने की, लेकिन जिस तरह से मीडिया सहित किसानों को बिल्कुल पिंजड़े में कैद किया गया, इतना डर क्यों है अभी? देखिए गवर्नमेंट को डर ही है, ममता बनर्जी देखिए जीती हैं किसानों के समर्थन के साथ, तो ऐसे ही पॉलिटिकली प्रेशर तो है ही, बट मोदी सरकार को लगता है कि यूपी में हमें नहीं हरा पाएंगे। बट मैं ये चाहती हूँ कि किसान जो यूपी में भी हैं वो धर्मवाद ना देखें, एक देखें ये बिलों को विस्तार रूप से पढ़ें कि ये बिल जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, पंजाब के किसानों के लिए नहीं है या फिर हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है, ये MSP जो है अगर सारे देश में फिक्सअप होती है, बिहार में जो किसानों का हाल हुआ है वो बाकी किसानों का नहीं होगा, तो सभी को
को आवाज़ उठानी चाहिए। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की एक साजिश है अपना राज बनाने की, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर वेश्या से रूल करता आ रहा है एक पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। पहले अंग्रेज़ों का राज था, अब इनका राज है अंबानीज अंडानीज का। सो हम बेसिकली चाहते हैं कि इनका राज खत्म हो, किसानों के हाथ में आए। किसान अपनी आत्महत्या करते हुए मरते हैं क्योंकि उनके पास बजट्स नहीं होते, उनकी बजट्स पूरे भी नहीं हो पाते, उनके ये सब्सिडीज़ के ऊपर भी सरकार बोलती है हमारे पास बजट नहीं है। सो इट्स रियली बैड, और ये कोई धर्म जात का आंदोलन नहीं है, किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का, सभी का है, क्योंकि इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सभी को प्रभाव करता है। ये वो जगह है, जनता दल का कार्यालय, इसके पहले जनता पार्टी का कार्यालय होता था। ये वो जंतर मंतर है जहाँ पर मैं कम से कम 1000 कार्यक्रमों में मैंने हिस्सेदारी की और 200 बार पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मेरी गिरफ्तारी दर्ज होगी। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, ये स्पेस भी अब जो है नहीं रही, और किसानों के लिए तो बिल्कुल जो है अछूत हो गया किसान। तो हम तो जो बात, इतना किसानों से डर क्यों, क्या हो गया? आज मीडिया को पहली बार दो दो घंटा, तीन तीन घंटा बाहर बैठा दिया। असल में ये लोकतंत्र में आदमी आ ही नहीं सकता, इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। पहले पार्लियामेंट के अंदर भी इन्होंने इसी तरीके से रोक लगाने का काम किया था मीडिया के ऊपर, पहला दिन जब शुरुआत किया, आज यहाँ पर किया है। तो धीरे धीरे ये लोकतंत्र इस देश के अंदर फासिज्म के अंदर बदल रहा है। ये किसान संसद और एक किसान आंदोलन, जैसे अमेरिका का बड़े बुद्धिजीवी जो नोम चोस्की जी बोला, क्या ये आंदोलन है ना, ये आंदोलन सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारे दुनिया भर का जनता को, किसानों का, मजदूर का एक मॉडल है, ये मॉडल स्ट्रगल है। क्योंकि ये जो आंदोलन का जो रवैया है कि बहुत यहाँ से आगे के आंदोलन को रास्ता मिलेगा, ये आंदोलन अभी आने वाले दिनों में ज़्यादा लोग जोड़ेगा। क्योंकि अभी देखो पीछे 8 महीने का अंदर हमारा बहुत राजनीतिक बदलाव आया है कि भाजपा और आरएसएस बहुत कमज़ोर हो गया है। अभी पीछे जो चुनाव हुआ उसमें नतीजे में वो आए हैं कि उन्होंने जो सोचा उसी तरह उनको जीत नहीं मिला, उनको हार मुकाबला करना पड़ा। और अभी भी सारे मजदूर वर्ग ये आंदोलन का समर्थन में है और छात्र है, नौजवान है। लंबा चलेगा ये आंदोलन, जरूर लंबा चलेगा। और ये आंदोलन आप समझ लीजिए कि हमारा स्वतंत्रता का संग्राम 60 साल तक चला था। और ये नव उदारीकरण और कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ जो आंदोलन है वो जरूर लंबा चलेगा, वो हमारा जिंदगी का हिस्सा है। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आज जंतर मंतर भी आप पहुंचे हैं पूरा का पूरा दवाओं को लेकर, क्या संदेश देना चाहते हैं? बात ये हुई थी कि 26 तारीख को हमारे साथ बहुत गेम खेली गई थी, वहाँ बहुत लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ी थी, वो ना दोबारा हो इसलिए हम आए थे। तो अब सुबह से काफ़ी बिजी भी रहे और अच्छा हुआ हम आए हैं, क्योंकि और तो कोई डॉक्टर है नहीं, पुलिस वाला भी दो हमारे से दवाई ले गया है, तो अच्छी बात है कि हमारा ज़रूरत थी हम आए हैं। लेकिन बात ये है, हम यहाँ पे डॉक्टर बन के भी आए हैं, किसान बन के भी आए हैं। पहले हम किसान के बेटे हैं फिर हम डॉक्टर हैं, सो किसान बन के भी आए हैं अपने बड़ों के साथ, क्योंकि इन्होंने हमको डॉक्टर बनाया था कि जिस दिन इनको हमारी ज़रूरत पाए हम उस दिन उनके साथ खड़े, और इसी के लिए डॉक्टर भी हैं लेकिन आज उनके साथ भी खड़े हैं जब उनको हमारी ज़रूरत है। जी, थैंक यू। एक बार बताइए कि आप लोग 26-27 नवंबर से दिल्ली की सरहद पर हैं, आज पहली बार आप दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या लगता है कि कुछ रास्ता खुल रहा है या बंद हो रहा है? देखिए, किसानों के प्रोटेस्ट को ज़्यादा लंबा समय इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ये इंटरनेशनली अक्लेम, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है और उसने बहुत सपोर्ट किया है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका स्केल जा चुका है। पूरी दुनिया में जो WTO रजीम के तहत एग्रीरियन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया गया या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया गया, उसके खिलाफ एक बड़ा पीपल मूवमेंट है, ये एक पीपल प्रोटेस्ट है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए वो पीछे भी हटने को तैयार नहीं, कॉर्पोरेट पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि क्या इसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होगा। देखिए, हम लोग तो बातचीत के लिए 24 घंटा 365 दिन तैयार हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ में जो तय किया था, बिजली का बिल वापस लेने का, NCR के जो किसान विरोधी प्रावधान हैं उनको ख़त्म करने का, अब उसको सरकार इंट्रोड्यूस करने का काम कर रही है, और जो 18 कमियां मानी थी खुद, और उसमें से 10 कमियों को लेकर के तो अखबारों के अंदर विज्ञापन नरेंद्र सिंह तोमर के नाम से छपा था, लेकिन वो सब चीज़ों से सरकार पीछे हट गई है। तो किसान तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, किसान किसानी और गांव को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है कॉरपोरेट से। जो बात मैं कह रहा था, एक सेकंड में कहना चाहता हूं कि 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के ऊपर हमला किया बंगाल के नवाब पे, पलासी का युद्ध हुआ और ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया।
और ये चुनाव जीत करके 50,000 करोड़ रुपया खर्च करके ये अडानी अंबानी को अगर देश सौंपना चाहते हैं तो वो इस देश का किसान नहीं होने देगा। हम अडानी अंबानी का राज स्थापित ना हो, इसलिए हम जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। एक बात जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि किसान संसद जब जंतर मंतर पे शुरू हुई तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर पुलिस को क्यों उतरना पड़ा, मोदी सरकार इतने बड़े पैमाने पर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाने पर क्यों उतारू थी। आपको इस समय मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि किसान बैठकर खाना खा रहे हैं, वे अपने साथ अपना खाना लाए हैं, अपना पानी का इंतजाम किया है और शायद देश के अन्नदाता की इस समय सबसे बड़ी मजबूती यही है। इस मजबूती से ही वह इतनी लंबी लड़ाई अभी तक लड़ पाए हैं। यह लड़ाई अभी दिल्ली में वे लंबी चलाएंगे। उन्होंने यह वादा किया है कि जब तक देश की संसद चलेगी यहाँ पर किसान संसद चलेगी। निश्चित तौर पर यह संसद अपना असर छोड़ेगी, कम से कम इस तैयारी से ये दिखाई दे रहा है।